हम रहे हैं हम अरुणा जी वो तो शायद जिंदा है उधर ही तो रहता है साथ ही छह वर्ष से हमारा ये आंदोलन चल रहा है। इसी क्रम में देखा 8 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने वित्त सचिव भारत सरकार और सेंट्रल फंड एनएसी की टीम ने उसमें जो एक्सपर्ट मेंबर थे उन्होंने एक एक बिंदु पे उनके सामने वित्त सचिव के सामने और वो ईपीएफ कमिश्नर के सामने एक विस्तृत रूप से बात बताई और उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की। उन्होंने कहा आपकी जो क्या नाम आपका सुधीर उपाध्याय जिला अध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली हूँ मैं और ये हमारा आंदोलन 2016 से चल रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए दिया जाए, निशुल्क चिकित्सा सुविधा हमको दी जाए। इसके अलावा जो सदस्य इस योजना के सदस्य नहीं है, जो हमारे साथी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनको इस योजना का सदस्य बनाया जाए अथवा उन्हें भी 5,000 रुपया प्रतिमाह गुजारा भत्ता के रूप में दिया जाना चाहिए। ये मांगे बहुत दिनों से लंबित हैं, कई बार इसमें चर्चाएं हुई हैं सरकारी स्तर पर, दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक राउत जी मिले हैं, माननीय हेमा मालिनी जी के द्वारा उनके माध्यम से मुलाकातें हुई, लेकिन नतीजा आज तक जीरो रहा। हमारे जिला बरेली से ही हमारे सांसद माननीय संतोष गंगवार जी श्रम राज्य मंत्री भी रहे स्वतंत्र प्रभार, लेकिन हमारी मांगों के संबंध में वो भी निष्क्रिय ही साबित हुए। अब हमारे नए श्रम मंत्री जी आए हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, हमें आशा है कि हमें सफलता मिलेगी। हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः ये बात कहना चाहूँगा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी चुनाव के दौरान माननीय नड्डा जी यहाँ आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमने एक ज्ञापन उनको भी सौंपा। हमारे कोषाध्यक्ष जी श्री महेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं, इनके ये साथ में थे, श्री कौशल जी जो हमारे प्रांतीय समन्वयक हैं वो भी थे, मैं था, हमने उनको भी ये सौंपा है। माननीय अमित शाह जी यहाँ आए थे, मैंने प्रयास किया कि उनको वो सौंप दें एक ज्ञापन, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। हमने वो चिट्ठी उनको उनके ईमेल पे पर्सनल आईडी पे भिजवा दी और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसा अभी हमारे मेहरोत्रा जी ने बताया कि 8 फरवरी को जो चर्चा हुई है वित्त मंत्रालय की कमेटी के साथ, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है।